रवि बेंद्रे की बीमारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां जून 2018 में सोनाली बेंद्रे ने हिंदुजा हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के बाद जुलाई में इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें हाई ग्रेड कैंसर हुआ है, तो वहीं इसी बीच सोनाली बेंद्रे की मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स ने एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ, सोनाली बेंद्रे की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि सोनाली का कैंसर उनकी लापरवाही की वजह से आखिरी स्टेज पर आ पहुंचा है। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने कहा है कि सोनाली को काफी लंबे समय से शरीर में दर्द की शिकायत थी, जिसे वो अनदेखा करती रही थी, और सोनाली ने ये बात खुद अपने डॉक्टरों को बताई है। जब सोनाली का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया और उनकी बीमारी आखिरी स्टेज पर आ गई, तब जाकर सोनाली डॉक्टर्स के पास आई और उन्होंने अपना चेकअप करवाया, जिसके बाद कैंसर होने की खबर निकलकर सामने आई। अगर सोनाली शुरुआत से ही अपना चेकअप करवाती तो उनका कैंसर पहले स्टेज पर ही डिटेक्ट कर लिया जा सकता था और उस वक्त सोनाली का कैंसर सर्जरी की मदद से ठीक किया जा सकता था। गौर कीजिए कि सोनाली बेंद्रे ने जो पोस्ट अपलोड किया था उसमें मेटास्टेटिक कैंसर का जिक्र किया गया है। मेटास्टेटिक का मतलब होता है फोर्थ स्टेज कैंसर, जिसमें कि कैंसर सेल्स बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी फैल चुके होते हैं। सोनाली बेंद्रे की ये लापरवाही उनकी सेहत पर बेहद भारी पड़ गई। खैर, फिलहाल सोनाली न्यूयॉर्क में कैंसर से लड़ रही हैं। हम आशा करते हैं कि सोनाली बेंद्रे इस गंभीर बीमारी से लड़ाई जीत जाएं और जल्द ही स्वस्थ होकर मुंबई वापस लौटें। फाइनल कार्ड न्यूज डेस्क। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।